वालेकुम सिमी किचन से मैं एक ब्लॉग लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। तो मुझे अक्सर कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि आप हमेशा DHA की ही चीज़ें दिखाती हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक नई जगह लेकर चलती हूँ और महंगे रेस्टोरेंट में आपके ब्लॉग्स ज़्यादा होते हैं, तो आज मैं एक आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जाती हूँ। तो देखते रहे सिमी खान किचन, फिर मैं आपसे मिलूँगी कुछ देर के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं कमल खान सीमी की बेस्ट फ्रेंड कह सकती हूँ अपने आप को, और सीमी मानती भी है। यस माशाल्लाह, तो अक्सर ये मुझे मुखातिब भी करती, मैं ही वो कमल हूँ। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि विंटर आ गए, लोग खाने पीने के दीवाने कराची वाले, तो आप सोचिए आइडिया लगाए जब तक हम वापस आते हैं, और बताइएगा हम कहाँ जा रहे हैं। जी जनाब, तो जैसे कि हमारा कहना है कि हम जो खाते हैं वो दिखाते हैं, तो अब आप लोग देखें मैं किस एरिया में हूँ उस वक्त और मैं कहाँ जा रही हूँ, और मेरी कई ख्वाहिशात में से आज एक ख्वाहिश में विश, आपकी विश पूरी करने जा रही हूँ, और मेरी विश पूरी करने जा रही है मेरे साथ। हम इस वक्त गुजर रहे हैं खालिद बिन वलीद रोड। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आपको मेरी फ्रेंड कमल ने बताया, वो ऊपर गई है हमारे लिए जगह वो इंतखाब करने, सर्दियाँ आ गई हैं और मेरे आंखों से पानी भी आ रहा है। एनीवेज, तो जी हम आ गए हैं, आपने खूब पहचाना जी जावेद की निहारी, और ये जगह उन्होंने बता दिया आपको, तो चले ऊपर देखें कि हम क्या खाते हैं और क्या बातें होती हैं। जी बिस्मिल्लाह, मैं आ गई हूँ, हम आ गए हैं जावेद निहारी पे, और ये मैं कौन सी फ्लोर पे हूँ? अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं, और काफ़ी लोग फैमिली यहाँ बैठी हुई हैं, और मेरी दोस्त है, जैसे कि आप लोगों को बताया है मेरी ख्वाहिश थी, नाम बड़ा सुना था जावेद निहारी, तो फाइनली मैं आज पहुंच गई। चलो देखिए मेरी दोस्त ने क्या ऑर्डर कर दिए, देखते हैं सिमी खान किचन से सिमी खान ब्लॉग, और मुझे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। खाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी कि कैसी है जावेद की निहारी। अच्छा, ये सारी हमारी होस्ट है जो हमें आज को निहारी को होस्ट कर रही है, और ये हमारे ग्रुप की एडमिन्स भी है, तो देखिए हमारे कितने शानदार ग्रुप की एडमिन्स है माशाल्लाह। तो देखते रहे सिमी खान किचन से सिमी खान का ब्लॉग, फिर मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप लोग? जी हम लोग जो है आए हैं बहादुराबाद वाले ब्रांच पे, और हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी आए जा रहे हैं माशाल्लाह, और समरीन भी आ गई हैं, और मेरी कुछ जो दोस्त हैं ना वो हमारे वीडियो में नहीं आ रही, और कुछ लोग अच्छा, तो जो लोग नहीं आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जो आना चाहते हैं वार्म वेलकम। तो एनीवे, इसके एक ब्रांच जो है जावेद की वो दस्तगीर में भी है, और एक जो है यहाँ पे भी है बहादुराबाद में, और तीसरी कहाँ है किसी को पता है? अरे जी हमारी और एक दोस्त आ गई, मतलब मोहब्बत में आ गई आप लोगों की। अच्छा देखिए, काफ़ी लोग माशाल्लाह जुड़ते जा रहे हैं सिमी खान किचन में, तो देखते रहे सिमी खान किचन, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जी मेरी प्यारी सी बहन सानिया भी आ गई है, और बहुत सारे चेहरे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारी काफ़ी हॉबीज भी हैं, है तो कैमरे में आना नहीं चाह रही हैं बहुत सारी दोस्त हैं। चले मिलते हैं कुछ देर के बाद। ये हाँ भाई, देखो इधर देखो, ये देखिए जी, ये एक लड़की, ये भी हमारी एडमिन साहब आ गई हैं, इनका नाम है सना। तो चले जी हम जा रहे हैं अब खाने, और बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। हाँ
जी कमल आप कुछ कहेंगे? जी मैं कहती सी नहीं, बताइए आपकी, आपको मजा आया? जी आपने मेरी बड़ी अच्छी और पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी, थैंक यू सो मच। जो कहा था वो पूरा हो गया? जी 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 बिल्कुल, और हमारा भी कहना कि जो हम खाते हैं वो हम दिखाते हैं। ये ब्रेन है, ये ब्रेन है और ये इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े का, यकीन करें देसी घी का तड़का भी है। कमल आप प्लेट्स के बारे में कुछ बता रही थी? जी ये यहाँ की, आप मेरे ख्याल में काफ़ी जगह ट्रेंड हो गया है कि जब आप नहाड़ी में लोग सर्व करते हैं तो दोनों के बीच की थाली आ जाती है, उसी में से सबने खाना होता है, चाहे तीन लोग हो चाहे। और वो आपने कहा था रूफ में भी है कुछ? हाँ ये जो ना ये आपका ये पूरा हॉल है, जैसे कि सीवी ने आपको बताया था, ये पूरा बड़ा सा हॉल है और नीचे भी बैठने की जगह है, और उसके अलावा फैमिली रूम्स ऊपर बने हैं, जो अलग फैमिली को लेके बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। चले जी हम इंजॉय करें, मजे करें खाने को, जुड़े रहे हमारे साथ, फिर हम मिलते हैं कुछ देर के बाद। जी अब ये मीठे के बाद ये अल्लाह खड़ा होना पड़ेगा, इतना खा लिया है कि हिल के नहीं पा रहे होंगे। और अगर मैं आपको अपनी फ्रेंड्स को और उनकी देखभाल को और अपने भाइयों को दिखाऊं तो खा खा के सब लिटरली बेहोश हो चुके हैं, इतने मजे का था ना, यम्मी है ना कि दिल में डरा। इसमें खीर भी है, रबड़ी भी है, ये है हमारी स्वीट डिश। तो फिर देखे आप हम मजे कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, फिर इंशाल्लाह मिलते कुछ देर में। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच नेहा को कि इसने इतनी अच्छी महफिल सजाई, और सीबी आपको कि आप हमारी मूवी बना रही है। बहुत मजा आया माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात हमारे वतन पाकिस्तान के अजीज ने मुझे हमेशा से कि दोस्तियाँ खाना पीना सब बहुत बेहतरीन, और स्पेशली हमारी कराची में भी हल्की फुल्की सर्दी आई है तो खाने का तो बहुत ही मजा आया। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।